स्वागत है आपका लुक गॉर्जियस चैनल पर। आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं बिरयानी बनाने की एक ऑथेंटिक रेसिपी, हैदराबादी बिरयानी, वेजिटेरियन बिरयानी। अक्सर लोग चिकन बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब बात आती है वेजिटेरियन बिरयानी की तो वो स्वाद और वो खिलावट और वो मन को ललचाने वाला स्वाद आ नहीं पाता है। तो ट्राई करके देखिएगा, ये मुश्किल सी थोड़ी आसान बनाने की कोशिश की है मैंने रेसिपी, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बनाइएगा और मज़े से खाइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, देखने में बिरयानी सुंदर लग रही है, तो नीचे लाइक का बटन है उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए, और साथ ही साथ में कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर बरसाइएगा। ये बिरयानी मैं हांडी में बनाने वाली हूँ, लेकिन चिंता मत करिए, अगर आपके पास हांडी नहीं है तो यही सारा कुछ आप खुले बर्तन में, कढ़ाई में, इस तरह का किसी बर्तन हो या फिर जो लोहे का हो उसमें भी आप बना सकते हैं। खैर जो भी हो, जब मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर बिरयानी पकती है ना, तब तो एक अलग ही स्वाद आ जाता है। चलिए शुरुआत में मैं कुछ एक आपको सामग्री बता देती हूँ, बाकी सामग्री आप बीचों बीच वीडियो के देखते ही रहेंगे। कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, अच्छे से धो के काट लिया है, एक दो प्याज काटे हैं, एक दो आलू हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर है एक फूल गोभी, एक गाजर है जिसको कि बारीक काट लिया है, चार पाँच कुछ ग्रीन बीन्स जो फलियाँ होती हैं उनको काट लिया है, धनिया और पुदीना जो है उसको अच्छे से धो करके काट लिया है, और एक मुट्ठी भर कर लिए हैं मटर। एक बाउल में, छोटी कटोरी में हमने लिया है दूध, जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ येलो कलर का, पीले रंग का फूड कलर। आप चाहें तो इस स्टेप को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, और या फिर आप केसर डाल सकते हैं, केसर हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर लिया है दो बड़े चम्मच देसी घी, और इसके बाद लिया है ढेर सारा तेल, क्योंकि फ्राई करने के लिए भी चाहिए होगा, तलने के लिए हमें सब्जियों को। और फिर हमने लिया है यहाँ पर कुछ मसाले, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, गर्म मसाला और बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला बाज़ार में आसानी से बना बनाया मिल जाता है, नहीं भी है तो कोई टेंशन मत लीजिए, बिकॉज हमने आगे अखा मसाला डालना ही है चावलों में। यहाँ पर मैंने एक ट्रेडिशनल से तरीके से बनाने की कोशिश की है, हांडी ली है, उसमें मैंने पानी डाल लिया है और गरम करने रखा है, और साथ के साथ मैंने कुछ अखा मसाला डाला है, जिसमें हमारे पास इलायची है, तेज़पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, और साथ के साथ मैं कुछ उसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप सिंपल नमक भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस हल्का सा अंदाजे से थोड़ा सा नमक डालना है। बिल्कुल ही धीमी आँच पर हमें हांडी को रखना है, क्योंकि ठीक नहीं होता एकदम से उसको बहुत तेज़ आंच पे अगर हम रखते हैं, तो हांडी को धीमी आंच पर रख के कि उसका हांडी का ढक्कन लगा देना है। पानी अंदाजे से लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया, बहुत कम भी नहीं लिया, जितने चावल हैं उससे ट्रिपल आप लगा लो, उसका तीन गुना लगा लीजिए, जितने भी चावल हैं। एक गिलास चावल लिया है यहाँ पर, और उसका तीन गुना पानी आप कह लीजिए, तीन गिलास पानी, तो अंदाजन लिया है। बिल्कुल ही खुला पानी चाहिए है हमें, उसको गरम हो गया था जब पानी, उसके बाद उसमें चावल डाल लिए हैं हमने पानी में, और ढक्कन लगा करके ढक लिया है अच्छे से, उसको धीमी आंच पे पकने देना है 10-15 मिनट बाद। चेक करके देख लें कि चावल हुए या नहीं हुए, हमें पूरे चावल नहीं पकाने हैं, हमें कच्चा चावल चाहिए, एक बीच का, ना ज़्यादा पका हुआ ना ही बिल्कुल कच्चा, एक बिरयानी वाला जो चावल होता है। आप ऐसे हाथ से, ध्यान रखिएगा गरम को हाथ मत लगाइएगा, थोड़ा सा एक हाथ में लेके उसके बाद उसको तोड़ के देखना है, वो टूट जाना चाहिए लेकिन वो बिल्कुल गला हुआ और नरम नहीं होना चाहिए। अंदाजे से 10 से 15 मिनट इस चीज़ में लगते हैं। गैस को अब बंद कर लिया है, और अगर आपके पास हांडी नहीं है तो कोई नहीं, आप कढ़ाई में या कुकर में भी कर सकते हैं ये चीज़। फिर एक ऐसा छानी वाला बर्तन लेना है जिसमें कुछ छेद हों, छोटे बारीक छेद हों, जिससे कि पानी बाहर निकल जाए लेकिन चावल बाहर ना निकले, तो उसमें छान लिया है और अलग से रख दिया है। अब एक कढ़ाई अलग से ले ली है, एक कटोरी जो भरकर है वो मैंने तेल इसमें डाल दिया है, छोटी कटोरी है, बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला है क्योंकि हम इसको बहुत अनहेल्दी नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए 1 से 2 मिनट बाद, उसके बाद हमें प्याज डालना है, 2-3 प्याज हैं ये अंदाजे से, इस तरह से कटे हुए हैं, कुछ गोल हैं, कुछ चौकोर हैं, और इनको बस अच्छे से हमें सिम पर करते रहना है, पकाते रहना है, थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र रखिएगा, बट जलने मत देना, गोल्डन ब्राउन होने के टाइम पे निकाल लेना। मुझे हल्का सा थोड़ा सा लेकिन जला हुआ प्याज पसंद है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको जला देती हूँ, बाकी का जो तेल बचा है प्याज निकालने के बाद, कढ़ाई में तेल ना बच गया है, तो उसी में मैंने फूल गोभी जो है वो ली है,
और इसको मैं अच्छे से अब थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। मीडियम आंच रहेगी, ना ही बहुत धीमी ना ही बहुत तेज़। अगर आपको जल्दी बनाना हो तो आप बेशक सब्ज़ियों को डीप फ्राई करके एक एक करके निकाल सकते हैं। कम तेल में बनाने में थोड़ा समय लगता है, 10 से 15 मिनट लग गए हैं गोभी को करने में, और जब वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो उस टाइम पे मैं यहाँ पर गाजर को डाल रही हूँ। अब करछी से गाजर को मिक्स कर लेना है। उसके बाद वैसे तो ऐसे ही खुला पकने दे सकते हैं, 5-7 मिनट 10 मिनट और लग जाएंगे, नहीं तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ढक्कन लेकर कढ़ाई के ऊपर लगा दिया है, मीडियम से लो फ्लेम पर रखा है, धीमी ही है आंच, और आराम से इसको मैं पकने दे रही हूँ। और 5-7 मिनट बाद जब पक गया है तो मैंने खोल दिया है ढक्कन को, और अपनी बीन्स जो है वो भी मैंने कढ़ाई में डाल ली है, और अब मैं सब्जियों को अच्छे से मिला रही हूँ करछी की मदद से। अब 1-2 मिनट बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब मैंने मटर के जो दाने हैं, ओब्वियसली पानी हटाकर फिर मैंने मटर के दानों को डाल दिया है इसी के अंदर, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आती है इस टाइम पे, सब्जियाँ देखकर ही बस मन ललच जाता है जल्दी से खाने का। हो सकता है कुछ लोग कम खाते हों सब्जियाँ, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हों। मैं ऑब्वियसली यही बोलूँगी कि सब्जियाँ तो ज़्यादा ही खानी चाहिए, एंड कोई भी यही बोलेगा तो, और वैसे भी बिरयानी में बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ियाँ, तो क्यों ना डालें हम ज़्यादा। फिर अब ढक्कन से ढककर रख देते हैं, कुछ देर उसको पकने दिया है और साइड में हटा लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तेल लिया है मैंने उसी कढ़ाई में, और आलू को मैं अलग से तल रही हूँ, ठीक है। वो वाली सब्ज़ियाँ हमने निकाल के अलग से रख दी हैं, और अब हम आलूओं को अलग से तल रहे हैं क्योंकि इनको पकने में तलने में समय लगेगा, और वैसे भी जब फ्राई करते हैं हम आलूओं को तो एक वो जो फिंगर चिप्स वाला जो टेस्ट होता है, फ्राइड आलू वाला जो टेस्ट होता है, वो तो वैसे ही सब लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है, तो आलूओं को तो अलग से तेल में पकाना बनता है। खैर हम यहाँ पर भी डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा ही तेल लिया है, इससे तेल की बचत ज़रूर होगी, तो उसी के अंदर अच्छे से पका लेना है। 15 मिनट लगेंगे मीडियम आंच पर, वैसे धीरे धीरे करते रहिए। जब ऐसे सुनहरे दिखने लगे तब आप इसको गैस को बंद करके इन्हें अलग निकाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा और क्रिस्पी कर लीजिए जैसा मैंने किया है। फिर इसके बाद हम क्या ले रहे हैं, उसी कढ़ाई में उसी तेल में जो मैंने मसाले लिए थे अंदाज़े से लिए हैं, ये बिल्कुल भी बिगिनर्स के लिए रेसिपी नहीं है, थोड़ा सा अंदाज़ा और माँ की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा। नमक, मिर्च, हल्दी, बिरयानी मसाला, गरम मसाला सब कुछ डाल दिए स्वाद अनुसार, 2 चुटकी ऐसे करके हिसाब से, और सब्जियाँ भी उसी में मैंने डाल दी हैं साथ के साथ। इसको मैंने कर लेना है अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पर आधे से एक कटोरी दही को, अच्छे से फेंटी हुई दही जो हो उसको लेकर हमें सब्जियों को धीमी आंच पे कर करके मिला लेना है, और फिर 2 मिनट बाद सब्ज़ी को बंद कर देना है, आंच को बंद कर देना है, और फिर हमने जो हांडी थी दोबारा से उस हांडी को लेना है, इसके अंदर अच्छे से हमें लेयरिंग करनी है। पहले हम एक लेयर सब्ज़ियों की बिछा रहे हैं यहाँ पर। सबसे नीचे वाली लेयर में चावल मत लीजिएगा, नहीं तो चावल जल जाएगा, इसलिए पहले सब्ज़ी की लेयर ही लगाइएगा। उसके ऊपर जो अगली लेयर हमने लगाई है वो है चावलों की, और उसके बाद हल्का सा हमने बुरकना है यहाँ पर धनिया और पुदीना जो कटा हुआ धुला हुआ प्यारा सा सुंदर सा खुशबू महकाता हुआ रखा है उसको लेना है। उसके बाद फिर हमने एक लेयर लगानी है सब्ज़ियों की। आपको ध्यान होगा शुरू में प्याज को हमने धीमे आंच पे तलकर अलग से रखा था, तो अब उस प्याज को भुड़कने का समय आ गया है, और बिरयानी में ये जो तला हुआ प्याज होता है इसकी जो मिठास होती है, मेरे हिसाब से शायद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता, चाहे और कुछ ना हो, चावल हो और ये तले हुए प्याज हो, तभी बिरयानी खिलकर आ जाती है।
अब हम एक लेयर लगाएंगे चावल की। तो फटाफट से यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जल्दी जल्दी से चावल की आपको लेयर, एक मोटी अच्छी लेयर बिछा लेनी है यहाँ पर। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर बुरकने वाले हैं हमारा प्यारा सा तला हुआ प्याज, जो कि है बहुत ही स्वादिष्ट, और साथ के साथ में कुछ धनिया, कुछ पुदीना मिला करके हल्का सा अच्छे से बुरक लेना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और जो दूध लिया था शुरू में, याद होगा आपको इंग्रेडिएंट्स बताते टाइम, तो वो दूध अब अच्छे से फैला के चारों तरफ से चावलों में डाल लेना है। और 2 चम्मच घी जो है वो भी ऊपर से ऐसे ही अंदाजे से हमें फैला करके डाल लेना है। और हांडी को ढक करके आँच को जला देना है बिल्कुल धीमी आंच पे, जितनी ज़्यादा धीमी आंच हो सकती है, बल्कि मेरी यहाँ पर आंच ज़्यादा है। और भी धीमी आंच हो तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, धीमी से धीमी आंच रखिए। एक तवा रखिए, तवे के ऊपर आप हांडी को रख लीजिए, ढक्कन लगा के पकने दीजिए 20 मिनट तक। खुशबू जब आएगी तो उसको बंद कर देना, लेकिन ध्यान ज़रूर रखना कि बदबू ना आ जाए, चावल नीचे ना लग जाए। बीच में आप चाहें तो खोल करके चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने हांडी का ढक्कन जो है कुछ 15-20 मिनट बाद यहाँ पर हटा लिया है, खोल दिया है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा धुआं निकल रहा है, जो कि पूरा खुशबुओं से महक रहा है, पूरा घर खुशबुओं से, बिरयानी की खुशबू से महक जाता है जब इस तरह से बिरयानी बनाई जाती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन बहुत ही बारीकी से बनानी पड़ती है, नहीं तो लग सकती है हांडी में। और बस देख लीजिए कितनी सुंदर बिरयानी बन करके तैयार है। कुछ ऊपर से प्याज भुरक रही हूँ, चाहें तो काजू, किशमिश, बादाम ज़रूर भुरकिए और ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो फिर सर्व कीजिए अपनी मनपसंद सब्ज़ी के साथ। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।